हेलो फ्रेंड, कंट्रीब्यूटी ऑल ओवर इंडिया मेंबर फ्रेंड, मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही सेपरेट की एल्बम। एल्बम उससे पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले प्लीज़ फ्रेंड, बेल आइकन को दबाना ना भूले प्लीज़। एंड अब मैं ज़्यादा बात करते हुए मुझे फ्रेंड पर आना चाहती हूँ। तो चलिए आज मैं आप लोगों को इसके पहले रेसिपी बताती हूँ, क्या क्या रेसिपी लगेंगे। आलू को छोटे छोटे आलू को आप बॉयल कर लें, कम से कम 100 ग्राम आलू को बॉयल करें। एक टमाटर लें, एक से दो टमाटर इसमें लगेंगे आप। तो आप टमाटर ले लें, अदरक मिर्ची ले लें, आप चाहते हैं पीस के भी डाल सकते हैं या बिना पीसे हुए भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ बिना पीसे हुए काम करने वाली हूँ, इसलिए अदरक और मिर्ची नहीं ले रही हूँ मैं, क्योंकि मसाले में ही तैयार कर चुके हैं। अगर आपको मसाले का रेसिपी चाहिए तो मैं उसका भी वीडियो बना के दूँगी उसके लिए, लेकिन आपको सबसे अधिक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो प्लीज़ फ्रेंड जितना भी अधिक होगा उतना मैं उस मसाले को जल्दी लाऊंगा। तो आप मैं बनाने जा रही हूँ, एक पेन ले ले या कढ़ाई ले ले, उस कढ़ाई में आप डाल दें 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल। एंड उसमें मैं डालने वाली हूँ 2 से 3 पीस मिर्ची के, एंड 1/2 टेबल स्पून जीरा डालने वाली हूँ, एंड 2 पीस हींग डालने वाली। तो वो डाल दिया मैंने फ्रेंड। उसके बाद मैं उसको हल्का सा ब्राउन होने देती हूँ। उसमें मैं पोटैटो जो भी बॉयल किया था उसे 2 से 3 भाग में तोड़ लिया है, इसके भी छोटे छोटे हैं, उसको मैं फ्राई करने जा रही हूँ। जब तक वो ब्राउन हो रहा है तब इधर मसाला तैयार करते हैं। तो मसाला मैंने पीस के रख लिया था फ्रेंड, इसीलिए मैं इसमें हल्का सा ब्राउन हो चुका था। अब इसमें मसाला देने जा रही हूँ, इसमें मसाला जो मैंने पीसा था वो दिया है। एंड उसके बाद मैंने इसमें टर्मेरिक पाउडर, कोरिएंडर पाउडर एंड सब्जी मसाला पाउडर दिया। आप चाहे तो दीजिए, नहीं तो नहीं भी दीजिए, आप स्किप भी कर सकते हैं, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एंड छोटे छोटे काट के मैंने टमाटर दिया। एंड इसमें नमक मैंने 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा दिया, आप अपने टेस्ट को अनुसार दे सकते हैं। एंड उसके बाद जब मैं ब्राउन को उसे मैं भूजूँगी, जब तक इसमें से तेल नहीं अलग जाता है, तब तक देखिए फ्रेंड इसमें से तेल अलग हो चुका है। तो अब इसमें मैं पानी दूंगी, अगर आप चाहें तो दें, नहीं तो नहीं भी दें, आप स्किप भी कर सकते हैं, आपको जिस तरह से अच्छा लगता है। मैं इसमें पानी देने जा रही हूँ, हाँ 1 एंड